क्योंकि सुनने में देखने में बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, सिम सपोर्ट है, वाईफाई सपोर्ट है, ये है वो है। What's happening guys and welcome to the new video. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट कार टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम्स करेंटली अवेलेबल इन द मार्केट इन 2021. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे, लेकिन इस साल के लिए ये एक बिल्कुल फ्रेश, गर्म, ताज़ा वीडियो है. तो अगर आप अपने कार में एक आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन यूनिट लगाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कुछ बेहतरीन मॉडल्स के बारे में भी जो है आपको जानने को मिल जाएगा. यूजुअली मैंने अपने पिछले वीडियोस में जो है डिटेल में टेलीमैटिक्स के बारे में बात नहीं किया है, मैंने सिर्फ मॉडल्स के बारे में बताया है, उनके प्रोज उनके कॉन्स के बारे में आपको बता दिया है. लेकिन आज मुझे लगता है कि बड़ा ही सही टाइम है जहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कार टेलीमैटिक्स के बारे में भी बताऊँ. ये पर्टिकुलर चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो चीजें मैंने OEMs के साथ काम करते हुए, उनके टेलीमैटिक्स को यूज करते हुए या डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हुए सीखा है, समझा है, कुछ चीजें उनके बारे में बताऊंगा. बहुत सारी चीजें मार्केट में चलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट में देखने को सुनने को मिल जाती हैं जो कि एक्चुअली में सही होता है, लेकिन कभी कभी एंड यूजर एक्सपीरियंस में जो है उतना ज्यादा खिल के नहीं निकल पाता है. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी OEM टेलीमैटिक्स. देखिए जितने भी ये OEMs होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टाटा की बात करें, Hyundai की बात करें, किया की बात करें, Volkswagen की बात करें, जितने भी OEMs हैं वो अपने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में आज की डेट में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम्स देते हैं. अब अगर आप इन पर्टिकुलर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम्स की बात करें तो ये सभी जो है कोई ना कोई अपने कस्टम UI पे चलता है. Hyundai किया ग्रुप का एक कस्टम UI है, टाटा का एक कस्टम UI है, Volkswagen का एक कस्टम है, महिंद्रा का एक कस्टम है, हर एक का अलग अलग रहता है. अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करना कि मोस्टली जितने भी कार कंपनीज हैं वो अपना कस्टम बेस जो है वो एंड्रॉयड या किसी और OS पे नहीं रखते, वो अपना ही एक OS यूज करते हैं. लेकिन एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले रेडी ये जरूर होता है. इसके दो फायदे होते हैं. सबसे पहले कि उस पर्टिकुलर टेलीमैटिक्स यूनिट में OEMs जो है अपने हिसाब से फीचर्स को ऐड कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर Hyundai किया ग्रुप की बात करते हैं तो उनके जो भी टेलीमैटिक्स यूनिट है वो मोस्टली आर्केमिस के तरफ से आता है जो कि स्पीकर सिस्टम होता है, या फिर आता है बोस की तरफ से जो क्रेटा एंड सेल्टोस के हायर वेरिएंट्स में आता है. अदरवाइज मोस्टली जो उनका यूनिट है वो उनका ही एक कंपनी Hyundai Mobis डेवलप करता है. सिमिलरली XUV700 में सोनी का म्यूजिक सिस्टम आता है, लेकिन जो टच स्क्रीन यूनिट है उसको डेवलप करता है Visteon. तो यहां पे आप देखना कि जो OS है वो कभी भी एंड्रॉयड ऐसा कुछ OS नहीं होता है. सिमिलरली अगर आप आफ्टर मार्केट में भी जाते हैं तो जितने भी बड़ी वेल नोन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं लाइक ब्लॉपंक, सोनी, पाइनियर, इनका अपना ही एक OS रहता है, अपना ही एक यूजर इंटरफेस रहता है. लेकिन ये सभी के सभी जो है एंड्रॉयड या फिर एप्पल कारप्ले या दोनों से ही जो है सर्टिफाइड होते हैं, रेडी होते हैं. द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑन आवर लिस्ट इज द ब्लॉपंक न्यूयॉर्क 750. अब ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये एक 6.75 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ आता है. तो ये फुल HD 1080p रेजोल्यूशन पे वीडियो प्लेबैक देता है, ब्लूटूथ 4.1 के साथ आता है. साथ ही साथ आपको फ्रंट एंड रेयर USB का भी ऑप्शन मिल जाता है. तो अगर आप अपने कार में रेयर एंटरटेनमेंट पैक वगैरह कभी लगवाने की सोचते हैं या डिसाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा. ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले से सर्टिफाइड है. जो मेरा सेकंड रिकमेंडेशन है वो है सोनी XAV 5500. पहले भी मैंने सोनी XAV सीरीज के यूनिट्स को सजेस्ट किया है, एंड जो XAV 5500 है ये काइंड ऑफ लेटेस्ट ऑफरिंग है फ्रॉम सोनी. तकरीबन 27,000 रुपये की कीमत में आपको ये मिल जाता है, और इसमें भी आपको 6.95 इंचेस का यूनिट देखने को मिल जाता है. बेजल लेस कैपेसिटिव डिस्प्ले है, कोई भी बेजल्स नहीं है. जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है, विविड है, कैपेसिटिव यूनिट है, ईजी टू यूज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. साथ ही साथ एक चीज़ जो मुझे हर कार में भी और आफ्टर मार्केट यूनिट्स में भी बहुत सही चीज लगती है वो है फिजिकल बटन्स. एवरीडे यूज में कहीं ना कहीं आप देखना ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा. डुअल USB पोर्ट का भी आपको सपोर्ट मिलेगा. यहाँ पे एक और चीज जो मुझे इस पर्टिकुलर यूनिट का बहुत अच्छा लगता है, दैट इज 4x55W का डायनामिक रियलिटी एम्पलीफिकेशन. तो कल को अगर आप बड़े एम्पलीफायर्स लगाते हैं, हाई एंड स्पीकर सिस्टम्स लगाते हैं, तो ये पर्टिकुलर यूनिट जो है बड़े ही आराम से सपोर्ट कर देगा. साथ ही साथ जो इसका शैसे है वो एक सिंगल डिन शैसे है, तो आपको किसी भी तरीके के कार में लगाने में जो है इसको तकलीफ नहीं होगी. एक और चीज़ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि ये जितने भी यूनिट्स हैं आप किसी भी तरीके के कार्स में लगा सकते हैं.
कुछ कार्स हैं जिसमें फ्लोटिंग यूनिट्स भी लगाने पड़ते हैं, तो उस टाइप के यूनिट के लिए शायद आपको थोड़े एक्सटर्नल मोल्डिंग्स वगैरह लगाने पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्सॉन वगैरह के लिए। लेकिन अदरवाइज ऑलमोस्ट हर कार में जो है ये सभी म्यूजिक सिस्टम फिट हो जाएंगे, प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब है, तो वो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो मेरा तीसरा सजेशन है वो है पाइनियर DMH Z5290BT। ये तकरीबन 26,000 की कीमत में आपको मिल जाएगा और ये एक बहुत ही अच्छा एंड सिंपल ऑडियो सिस्टम है। इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको फुल वीडियो सपोर्ट मिलता है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग जो है मुझे अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर यूनिट में वीडियो है, क्या उसमें है। तो इन सभी यूनिट्स में जो है आपको वीडियो प्लेबैक मिल जाता है। हालांकि हमेशा रुकी हुई गाड़ी में ही वीडियो देखें अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने का मन हो, और अगर नहीं देखें तो ही बेहतर है। USB से चला सकते हैं या किसी और तरीके के मीडिया से भी आप इसको चला सकते हैं। Android ऑटो एंड Apple CarPlay का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो कुछ मिले ना मिले भाई, मतलब ये दोनों चीज़ें रहें तो लाइफ वैसे ही सॉर्टेड है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ प्री लोडेड Spotify भी मिल जाता है, तो अगेन गाने के लिए आप अनलिमिटेड पॉडकास्ट सुनो, अनलिमिटेड म्यूजिक सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक काफ़ी अच्छा यूनिट है जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार बढ़िया वेल रिसर्च कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहते हैं। यहाँ पे सेल्फ प्रमोशन, सॉरी। आगे बढ़ो उससे पहले एक और चीज़ जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा, आप में से बहुत कोई कहते हैं कि हमें कंप्लीट एंड्रॉयड यूनिट चाहिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में एंड्रॉयड यूनिट्स भी सजेस्ट कर रखे हैं, लेकिन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड यूनिट्स का फैन नहीं हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको एंड्रॉयड यूनिट बताऊँगा, बट मैं क्यों नहीं हूँ उसके बारे में बताता हूँ। देखो, मोस्टली एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो है हर एक टाइप के जितने भी मैंने अभी तक आपको यूनिट्स बताए उसमें आपको मिल जाता है। अब कई सारे मार्केट में एंड्रॉयड यूनिट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम लेसर नोन ब्रांड्स, फ्रॉम पॉपुलर ब्रांड्स, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि एक तो प्रोसेसर्स डायरेक्टली पता नहीं होते हैं कि स्नैपड्रैगन का है, मीडियाटेक का है, तो वो एक मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मोस्टली दिखा रहता है डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, बट प्रोसेसर क्या है तो वो क्लियरली डिफाइंड नहीं रहता। साथ ही साथ एक और चीज़, जो रैम वगैरह भी होते हैं वो 2GB, 16GB, 3GB, 32GB रहते हैं, जो फॉर इन कार यूज अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो कई बार उतनी अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन्स को यूज़ करते हैं या iOS डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी बढ़िया की रहती है, लेकिन कई बार मैंने देखा है जो एंड्रॉयड यूनिट्स होते हैं उसमें OS का ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं रहता है। थर्डली, बहुत सारे मैंने यूनिट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे आज भी एंड्रॉयड 9 या एंड्रॉयड 8 ही चल रहा है, जबकि आज के डेट में हम एंड्रॉयड 12 पे है, तो वो भी एक काफ़ी आउटडेटेड सा हो जाता है। एंड आज के डेट में आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐप्स जो है प्रीवियस वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड को काफ़ी जल्दी फेज आउट कर देते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। फोर्थ, जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज़ एप्पल कारप्ले का सपोर्ट। बहुत सारे आपको यूनिट्स मिलेंगे जिसमें एप्पल कारप्ले का सपोर्ट होता ही नहीं है। कल को आप एंड्रॉयड फ़ोन से iOS फ़ोन पे स्विच कर जाओ तो वहाँ पे आप फ़ोन को प्रॉपरली कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे, जो कि बाकी जितने भी मैंने यूनिट्स बताए उसमें यह दिक्कत नहीं है। आप एंड्रॉयड वाले हो, आप एप्पल वाले हो, आप आराम से अपने फोन्स को इसमें चला सकते हो, तो इसीलिए मुझे प्योर एंड्रॉयड जो है कभी कभी पसंद नहीं आते हैं। लास्टली, एक और चीज जो मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा जो मैंने अब तक किसी वीडियो में नहीं किया है, दैट इज द काइंड ऑफ ऑडियो सपोर्ट। अब देखने में सुनने में बहुत सारे फीचर्स आपको जानने को मिल जाते हैं, लेकिन कई बार वहाँ पे जो है या आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि भाई आखिर क्या क्या ऑडियो फॉर्मेट्स, वीडियो फॉर्मेट से सपोर्ट कर रहा होता है, या अगर हम इसको अच्छे मतलब स्पीकर सिस्टम से कनेक्ट करें तो एक्चुअल में साउंड आउटपुट कैसे निकल के आएगी। अब आप बात करें सोनी की, आप बात करें ब्लॉपंग की, आप बात करें पाइनियर की, तो ये सभी ना सिर्फ कार ऑडियो बट होम ऑडियो एंड बाकी थिएट्रिकल ऑडियोज में भी जो है ये काफ़ी मतलब बड़े कंपनीज हैं, तो इस वजह से इनके पास वो पूरा एक्सपर्टीज़ रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए कंपनीज हैं जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, तो जब भी आप एंड्रॉयड या कम्प्लीटली इस तरीके का यूनिट लें तो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि सुनने में देखने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सिम सपोर्ट है, वाईफाई सपोर्ट है, ये है वो है, लेकिन एक कार में आप ईज़ ऑफ यूज़ ढूंढेंगे कि आप चलाते हुए इतना ज़्यादा क्लमज़ी ना हो या इतना ज़्यादा लैगी ना हो कि
कि भाई वो पूरा का पूरा आपको यूज करने का जो फील है, जो एक्सपीरियंस है, वही खराब कर दे। चलिए, ये चीज मुझे लगा कि आप लोगों तक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, और यही एक रीजन है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो कंप्लीटली एंड्रॉयड नहीं लेती बट अपना कस्टम स्किन देती है। कुछ कार्स हैं जैसे जीप कंपस के नए वाले में आपको एंड्रॉयड बेस ही मिलता है, बट देन दे आर हाईली रिफाइंड एंड काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, लेकिन बहुत सारे आफ्टर मार्केट्स में उस टाइप का फीचर, उस टाइप का यूजर एक्सपीरियंस शायद आपको ना मिले। तो वुडमैन का ही एक लेटेस्ट यूनिट है, दैट इज वुडमैन रोबो एक्स, आप उसको भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं। 2GB रैम एंड 32GB रोम के साथ आता है, एंड्रॉयड 9 पे बेस्ड है, एंड ये सभी जितने भी फीचर्स नियो 7 में आता है वो सभी फीचर्स आपको इसमें मिलता है, लेकिन ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है तो वो जो है थोड़ा सा कई लोगों को पसंद आ सकता है। तो ये दोनों एंड्रॉयड में काफ़ी अच्छे यूनिट्स हैं। वुडमैन का अक्सर हमने नाम सुना है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है, कई लोग आप लोगों ने भी कहा है कि आप लोगों को जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिला है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, अनलाइक अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कार ऑडियो सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा डे टू डे अपडेट्स नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, तो शायद एक जो मॉडल निकला उसी में माइनर अपडेट्स अगले 3-4 साल 5 साल तक चलेगा। तो इस वजह से अगर आपको ये सुनने में लग रहा है कि ये आपने 2020 में भी कहीं सुना होगा एंड 21 में भी ये सेम मॉडल्स हैं, तो येस इट कैन बी ट्रू, बिकॉज कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं निकालते हैं फॉर देयर इन कार ऑडियो सिस्टम्स, बिकॉज मोस्टली जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सॉर्टेड रहते हैं फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो दैट्स वाई दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली नो। अक्सर लोग जो है थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि लेटेस्ट में बताओ, लेटेस्ट में बताओ, तो जितने भी चीज़ें मैंने वो बताई वो एक्चुअल में लेटेस्ट ही है भाई। आप जाके चेकआउट करें, देखें आपके कार के लिए कौन सा सही है, एक्चुअल में इन कार स्पीकर एक्सपीरियंस लें एंड फाइनल डिसाइड करें कि कौन सा आपको लेना है। बट हाँ, जितने ही मैंने मॉडल्स बताए वो एक्चुअल में अच्छे हैं। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा डिटेल एंड थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, बट देन मुझे लगा कि इस वीडियो में जो है ऑल इन सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सो विद दैट सेड गाइस, आज के इस वीडियो में खत्म करते हैं। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज वॉच योर सीट बेल्ट, ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट एंड राइट टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।